Good morning, students. Our today's topic single phase motor. Single phase motor क्या होती है? सबसे पहले इसकी introduction. हमें नाम से पता चल रहा है single का मतलब होता है एक. Single phase motor का मतलब जो single phase पे चलती है. और ये motor बहुत ही small size की होती है जिसको हम घरों में use करते हैं. सिंगल फेज सप्लाई इसकी चाहिए. हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में दो तरह के सिस्टम होते हैं. एक होता है सिंगल फेज सिस्टम और सेकंड होता है थ्री फेज सिस्टम. सिंगल फेज सिस्टम में हमारे में 220 वोल्ट और थ्री फेज में 440 वोल्ट. जो हमारा सिंगल फेज मोटर है वो रन करती है 220 वोल्ट के ऊपर रन करती है. और इसमें जो मोटर की कंस्ट्रक्शन होती है उसको आप देखोगे दिस इज द मोटर. And this is the stator. This is main winding. And running winding. ये है इसकी एक सिंगल लाइन डायग्राम सिंगल फेस मोटर की. और इसको हम फ्रिक्शनल किलोवाट आवर मोटर भी बोलते हैं. और ये हम यूज़ करते हैं हमारे घरों में यूज़ करते हैं हमारे ऑफिस में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में यूज़ करते हैं. जो हम घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ करते हैं जैसे हम यूज़ करते हैं इंडक्शन कोई भी जैसे सीलिंग फैन हो गया. और उसके बाद होम अप्लायंस फैक्ट्री शॉप्स में जो हम यूज़ करते हैं उसमें सिंगल फेस मोटर ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं. और इसकी जो इनको हम क्लासिफाई करते हैं उसकी भी हमारे पास चार टाइप है. इनको हम क्लासिफाई करते हैं फोर टाइप में. सबसे पहले वाली टाइप है हमारे पास सिंगल फेस इंडक्शन मोटर. सेकंड हमारे पास आ जाएगी एसी सीरीज मोटर और यूनिवर्सल मोटर. थर्ड हमारे पास आ जाएगी रिपल्शन मोटर. एंड फोर्थ हमारे पास आ जाएगी सिंक्रोनस मोटर. ये हमारे पास फोर टाइप्स के मोटर है. सबसे पहले हमारे पास है जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर. इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं सप्लिट फेस टाइप मोटर. जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे इसको फर्दर जो हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले आएगी सप्लिट फेस मोटर. उसके बाद कैपेसिटर मोटर. स्प्लिट फेस मोटर कैपेसिटर मोटर एंड शेडेड पोल टाइप मोटर. थर्ड वन शेडेड पोल टाइप मोटर. उसके बाद जो हमारे पास एसी सीरीज और यूनिवर्सल मोटर है वो हमारे पास एक सिंगल ही मोटर है जिसको हम एसी और डीसी दोनों पे चला सकते हैं. जैसे हमारे टॉयज होते हैं ड्रायर होते हैं
इन सभी में एसी सीरीज मोटरिंग हम यूज करते हैं। थर्ड वन है रिपल्शन मोटर। रिपल्शन मोटर हम यूज करते हैं स्टार्ट के लिए, जो इंडक्शन मोटर को स्टार्टिंग देनी होती है उसके लिए हम रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन मोटर एज ए और रन मोटर हम उसको बोलते हैं। थर्ड वन है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एक रिलक्टेंस मोटर एंड स्टेजियस मोटर। अब हम करेंगे प्रिंसिपल क्या है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। जैसे कि आप देख रहे हो इसके दो पार्ट्स होते हैं हमारी कोई भी मोटर ले लो उसके हमारे पास दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले है रोटर, सेकंड स्टेटर। जो हमारा इंटरनल पार्ट है जो रोटेट करता है उसको हम रोटर बोल देते हैं, और जो स्टेशनरी पार्ट है उसको हम स्टेटर बोलेंगे। और इसमें क्या है, हम एसी सिंगल फेज सप्लाई, एसी सिंगल फेज सप्लाई का मतलब 220 वोल्ट सप्लाई हम इसको देंगे। इसमें पल्सेटिंग फील्ड अप्लाई होगी, ठीक है, उससे ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड इसमें बनेगी और हमारा जो रोटर है वो रोटेट होना शुरू हो जाएगा। ये हमारा प्रिंसिपल है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल बोल देते हैं। और उसके बाद आता है हमारे पास डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी ऑफ सिंगल फेज मोटर। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, दिस इज द आइडिया बेस्ड अपॉन दैट पल्सेटिंग फील्ड प्रोड्यूसिंग इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसका मतलब यह है जो पल्सेटिंग फील्ड प्रोड्यूस हो रही है सिंगल फेज मोटर में, ये उस आइडिया पे वर्क करती है। इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट है, इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट है, हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड मूविंग इन ओपोजिट डायरेक्शन विद द सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड क्या है, एक कांस्टेंट स्पीड मोटर की जिसके ऊपर हमारी जो मोटर है वो रन करती है। अब इसमें हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स फाई वन एंड फाई टू, फाई वन एंड फाई टू आर द फ्लक्स। एक x कंपोनेंट, दिस इज y कंपोनेंट एंड दिस इज x कंपोनेंट, ठीक है। अब x कंपोनेंट में हमारे पास क्या आएगा, x कंपोनेंट इज इक्वल टू
फाइव मैक्सिमम ओवर टू कॉस ओमेगा टी. दिस इज द एंगल थीटा. हमारे पास थीटा है वो है कॉस ओमेगा टी. इसका एंगल आगे है वाई कंपोनेंट प्लस फाइव मैक्सिमम ओवर टू साइन ओमेगा टी एंड वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू फाइव मैक्सिमम ओवर टू माइनस फाइव मैक्सिमम ओवर टू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव मैक्सिमम ओवर टू साइन ओमेगा टी. अब जब हम इनको रिजल्टेंट करेंगे जो हमारी रिजल्टेंट फ्लक्स आएगी इज इक्वल टू अंडर रूट फाइव मैक्सिमम कॉस ओमेगा टू स्क्वायर प्लस जीरो. और हमारे पास जो रिजल्टेंट फ्लक्स आ जाएगी वो आएगी हमारे पास रिजल्टेंट फ्लक्स इज इक्वल टू फाइव मैक्सिमम कॉस ओमेगा टी. ये है हमारी रिजल्टेंट फ्लक्स जिसको हम फाइव से डिनोट करते हैं.